हेलो फ्रेंड्स, आज हम जवान मूवी के कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव सीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिव सीन का, तो सबसे पहला पॉजिटिव सीन ये है कि इस तरह का मासी लुक अभी तक के मूवी में शाहरुख खान का नहीं देखने को मिला है। तो पूरा क्रेडिट डायरेक्टर अटली कुमार को जाता है, जिसने शाहरुख खान को इस लुक में प्रेजेंट करने का सोचा। देखा जाए तो इसमें सिर्फ दो ही रोल हैं, एक बाप और दूसरे बेटे का। लेकिन अगर वहीं बात करें करेक्टर रिप्रेजेंट की, तो 7 अवतार आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पहला जो लुक है वो पट्टियों वाला, दूसरा जो लुक है वो पट्टियों के बाद वाला, थर्ड की बात करें तो बॉल्ड वाला लुक, फोर्थ की बात करें तो जेलर वाला लुक, इसके साथ पांचवा जो है वो लंबे बालों वाला लुक, छठा लुक का जो मास्क जिसमें लगा रखा हुआ है, सातवें की बात करें तो वो फादर वाला लुक जिसमें विक्रम राठौर का करेक्टर प्रेजेंट किया गया है। हमको पता है कि एक ही इंसान है, लेकिन जब अलग अलग करेक्टर में शाहरुख खान की एंट्री होती है तो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। पर्सनली अगर हम बात करूँ तो आई लव फादर करेक्टर विक्रम राठौर का, जिसकी एंट्री होती है इंटरवल के बाद में, वन ऑफ द बेस्ट इंटरवल सीन होता है जब शाहरुख खान की एंट्री होती है विक्रम राठौर के करेक्टर में। लेकिन जब इसका ट्रेलर आया था तो बहुत सारी थ्योरी बनाई गई थी, ट्रेन वाला सीन होगा, क्लाइमेक्स वाला सीन होगा, फर्स्ट सीन जहां पर शाहरुख खान पट्टियों में बंधे हुए दिखाई देते हैं। मगर डायरेक्टर एटली ने बहुत ही अलग तरीके से शाहरुख खान का रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। आप इसके पहले सीन और इंटरवल के बाद दो सीन में आप इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है उसके लिए बैठे ही रहते हैं। ऊपर से इस फिल्म में सोशल इशू को लोगों के सामने रखा गया है। जब जब सोशल इशू फिल्म के थ्रू ऑडियंस के सामने रखा जाता है, तब लोग ज्यादा अटैच हो जाते हैं। इस फिल्म के अंदर किसान की हत्या और उनके लोन प्रोसेस को भी लेकर बात की गई है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बेहाली रियलिटी के साथ दिखाया गया है। इसके साथ ही इसमें राजनीति के पीछे चल रहे करप्शन को भी दिखाया गया है, वोटिंग के महत्व को भी समझाया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो यह फिल्म थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, जिसमें दिखाया गया है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, इस पर ज्यादा बात की गई है। इसी के साथ इस फिल्म को ऐसा भी बनाया गया है कि मासी एक्शन फील हो, लेकिन कुछ निगेटिव भी है। लाइक आपने मनी हाइस्ट की पूरी सीरीज देखी होगी, तो ऐसा लगता है कि जहाँ से काफी सारे सीन वहाँ से कॉपी किए गए हैं, लेकिन कॉपी नहीं किए गए, ये कह सकते हैं कि हाँ इटली वहाँ से इंस्पायर हुए हैं। दूसरा नेगेटिव है कावेरी अम्मा का। जिस एक्ट्रेस ने कावेरी अम्मा का रोल किया है, स्पेशली उस रोल के लिए वो सूट नहीं हो रही है। जब आजाद यानी शाहरुख खान बड़ा हो गया है, तब आजाद और कावेरी एक साथ जज नहीं रहे हैं। ऑडियंस से व्यूअर पॉइंट से जब मैंने इस फिल्म को दूसरी बार देखा, तो मैंने इस मूवी को फुली एंजॉय किया। बाकी आपने ये मूवी कितने बार देखी है, या फिर अभी इस मूवी को आपने नहीं देखी है, कमेंट में आप लोग अपनी बात रख सकते हैं।